हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में स्वागत है। और मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं कि डाउन 6G पोजीशन कहां के लिए टेस्ट मारा जाता है और ये टेस्ट क्यों मारा जाता है। तो इसके बारे में मैं आज आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूं दोस्तों। तो अभी आप देख रहे हैं दोस्तों कि कभी भी आप टेस्ट मारने जाते होंगे तो 6G 45 में ही लगा रहता है, तो अप लगा रहता है। और ये भी 6G पोजीशन है और ये भी 45 डिग्री में है लेकिन डाउन है, तो ऐसा क्यों है इसके बारे में आज हमको पूरा डिटेल बताने वाला हूं। और वेल्डिंग करके भी दिखाऊंगा कि हाँ इसमें वेल्डिंग कैसे किया जा रहा है, कितना प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें। और ये जो प्लेट देख रहे हैं इसमें भी, इसके बारे में भी आपको बताएँगे कि ये प्लेट में कैसे हम वेल्डिंग करेंगे, ये कौन सा क्लास का वेल्डिंग है। तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अभी मैं दोस्तों आपको डाउन 6G पोजीशन के बारे में बताने वाला हूं, तो आप मेरे बातों को ध्यान से सुने और वीडियो को पूरा देखें। तो ये जो भी वेल्डर भाई हैं वो अगर बहरीन आए होंगे तो उनको पता होगा कि हाँ वहाँ एक बाप्को रिफाइनरी है, उसके लिए हमको डाउन 6G पोजीशन का टेस्ट होता है। और आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी गल्फ कंट्री में जाएंगे या कहीं के लिए भी टेस्ट वेल्डिंग करेंगे तो आपको डाउन 6G पोजीशन करने का ज़रूरत नहीं है, अप 6G पोजीशन ही वेल्डिंग होता है। लेकिन ओनली फॉर बहरीन के लिए आपको डाउन 6G पोजीशन में टेस्ट मारा जाता है। अभी दोस्तों मैं इसमें वेल्डिंग कैसे करना है वो आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इसमें बॉटम में वेल्डिंग करने के टाइम में कभी भी हमको सो के ही मारना पड़ेगा, क्योंकि ये डाउन पोजीशन है और डाउन पोजीशन में ज़मीन से हमारा ये 400 mm में हाइट रहता है। तो उसके लिए हमको बॉटम में 2 इंच एक साइड और 2 इंच एक साइड वेल्डिंग करने के लिए हमको सो के ही मारना पड़ेगा, उसके बाद से हम आराम से बैठ के वेल्डिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो ये पोजीशन उतना हार्ड नहीं है, लेकिन बस ओनली बॉटम में ही थोड़ा प्रॉब्लम है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होता है, अच्छे से वेल्डिंग हो जाता है दोस्तों। और हमारा फिलर वायर देने का, रूट वेल्डिंग करने का सभी सेम तरीका है। कभी भी हम इसमें भी फिलर वायर देंगे तो अंदर से ही फिलर वायर देना है और बीच में रख के मेल्टिंग करके आगे बढ़ना है। पावर भी हमको वही 85 से 90 तक रखना है और हॉट पास, उसके बाद से हमको रूट कंप्लीट हो जाने के बाद हॉट पास वेल्डिंग करना है। और उसके बाद से आपको आर्क वेल्डिंग करना है, तो आर्क में भी सेम हम पहले हॉट पास, आर्क से हॉट पास मारने के लिए हमको 2 मिली का रॉड से ही वेल्डिंग करना पड़ेगा। और देख रहे हैं दोस्तों कि आप ये वेल्डर भाई हैं जो सो के ही वेल्डिंग कर रहे हैं, तो सेम यही पोजीशन में आपको भी वेल्डिंग करना है बॉटम में, तभी आप टेस्ट पास कर पाएंगे। और आपको जब तक सोएंगे नहीं तब तक दिखाई नहीं देगा, उसके बाद से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, बस बॉटम में प्रॉब्लम होगा। और जब भी दोस्तों आप आर्क से हॉट पास मारें तो आपको पावर जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 80 से 90 के बीच में पावर रहना चाहिए, क्योंकि आपका पावर अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा जो रूट है वो डैमेज भी हो सकता है, वो डाउन भी हो सकता है। तो जब भी हमारा जॉइंट एक्सरे होगा तो जॉइंट फेल हो जाएगा, जॉइंट में LF बताएगा दोस्तों। तो इसके लिए हमको कभी भी हॉट पास वेल्डिंग करने के टाइम में पावर को ज़्यादा नहीं रखना है। और उसके बाद से दोस्तों हम फिलअप करेंगे, तो फिलअप करने के टाइम में हम 3 मिली का रॉड यूज करेंगे, तो उसका पावर हमारा 120 से 125 के बीच में रहना चाहिए, क्योंकि 3 मिली का रॉड में अगर हम ज़्यादा पावर नहीं लेंगे, अच्छे से उसका रॉड के हिसाब से पावर नहीं लेंगे तो वो हमारा रॉड बार बार चिपक जाएगा और पोरोसिटी आ जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दोस्तों कि इसमें ग्राइंडिंग टच नहीं करना है, खाली रूट मारने के टाइम में ही, क्लीट कटिंग करने के टाइम में आपको ग्राइंडिंग यूज करना है, उसके बाद से आपको ग्राइंडिंग जो व्हील है वो खोल के अलग रखना है। खाली ग्राइंडिंग मशीन में आपका बफिंग भी लगा रहेगा और आप अभी उसके बाद से आर्क जितना भी लेयर मारेंगे उसमें ग्राइंडिंग टच नहीं करना है। अगर आप ग्राइंडिंग टच कर रहे हैं और आपका जॉइंट अच्छा है फिर भी आप फेल हो जाए। और कैपिंग हमारा मल्टी लेयर में ही होगा, तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि पूरा टेस्ट कंप्लीट हो गया।
बहुत भाई लोग को टेस्ट हुआ और सबका टेस्ट पीस कंप्लीट हो गया। सबका रूट भी अच्छा है, कैपिंग भी अच्छा है दोस्तों। तो इन लोगों ने भी ग्राइंडिंग यूज नहीं किया है उसमें, खाली आपको रूट में ही ग्राइंडिंग यूज करना है। तो आप देख रहे हैं अभी सबका मैं रूट दिखाने वाला हूँ। पहले आपको कैपिंग दिखाया और अभी आप रूट देखिए। तो रूट सब में अच्छा है और सबका टेस्ट पास हो गया। तो ऐसे ही दोस्तों आपको भी टेस्ट लिया जाएगा जब भी आप बहरीन में आएंगे। तो बहरीन के लिए जो टेस्ट होता है वो डाउन पोजीशन में ही टेस्ट होगा। तो दोस्तों आप अच्छे से प्रैक्टिकल करके ही अगर बहरीन आना है तो एक डाउन पोजीशन में भी अच्छे से प्रैक्टिकल कर लें, उसके बाद से टेस्ट मारने आए। अभी दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ ये प्लेट के बारे में, प्लेट में क्या सिस्टम है और कौन सा मेटल का प्लेट है और कौन सा रॉड यूज करेंगे। तो दोस्तों ये जो प्लेट है वो CS का प्लेट है और उसमें हम 309 का रॉड यूज करेंगे। 309 से हम वर्टिकल में ओवरले करेंगे, उसके बाद से हॉरिजेंटल में 2G पोजीशन में ओवरले करेंगे दोस्तों। तो हमको एक प्लेट में 309 का वेल्डिंग करना पड़ेगा और दूसरी जो प्लेट है उसमें NICU 7 का इलेक्ट्रोड से वेल्डिंग करना पड़ेगा दोस्तों। तो ऐसे करके हमको ओवरले करना है। पहले एक 5 इंच का तक वेल्डिंग करना है 1 पास, उसके बाद से फिर से उसको क्लीन करके फिर 5 इंच वेल्डिंग करना है दोस्तों। और उसके बाद से फिर 3 पास ये वेल्डिंग होगा तो हमारा वेल्डिंग कंप्लीट हो जाएगा। और वेल्डिंग कंप्लीट होने के बाद दोस्तों इसमें हम लोग का DP चेक होगा और DP चेक करने के बाद से ये कटिंग होगा। कटिंग हो के बैंड टेस्ट होगा, अगर सब में बराबर आया तो हम टेस्ट पास कर गए दोस्तों। तो अभी आप देख रहे हैं कि पूरा प्लेट में वेल्डिंग हो गया है और वेल्डिंग अच्छा है। तो मैं सोचा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, जो भी भाई बहरीन आएंगे तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन है। और जो भी पूछना हो आप कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब।